हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन या फ्लोटिंग विंडो यूज़ करनी है तो कैसे करेंगे। अगर आपके पास रेडमी या पोको का फ़ोन है तो जिसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन की जगह फ्लोटिंग विंडो देखने के लिए मिलती है, तो इसमें आपको कैसे यूज़ करनी है फ्लोटिंग विंडो, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके एक स्क्रीन पर आप दो स्क्रीन कैसे यूज कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको अदर फोनों में स्प्लिट स्क्रीन मिल जाती है, इसमें आपको मिलती है फ्लोटिंग विंडो। तो फ्लोटिंग विंडो यूज करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो रिसेंट बटन होता है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो का। सबसे पहले आपको किस में फ्लोटिंग विंडो यूज करनी है वो वहां से आपको देखने के लिए मिल जाता है। रिसेंट बटन पर क्लिक करेंगे, ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद अब आपको अपनी स्क्रीन पर ऊपर एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिसमें भी आपको फ्लोटिंग विंडो यूज करनी है। सबसे पहले सारे एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें भी आपको यूज करनी है उसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे हमने ऊपर फाइल अपनी ओपन कर दी, इसे कंटिन्यू कर देते हैं। अब नीचे हमें कुछ और ओपन कर लेना है, जैसे अपने फ़ोन के अंदर हम कोई और एप्लीकेशन अपने फ़ोन में ओपन कर देते हैं। यहाँ से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, चाहे तो आप सेटिंग भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे फ़ोन की सेटिंग ओपन कर दी, एक बार हमें बंद करेंगे तो आपकी सेटिंग ऑफ हो जाती है। नीचे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर जैसे अपनी गैलरी ओपन कर देते हैं, अब हमारी गैलरी ओपन हो चुकी है। अब हम इस पे यूज करते हैं, इसमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ समझा जाते हैं अपने फ़ोन के अंदर, यहाँ से आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाती हैं तो हम वीडियोज़ में आ जाएंगे। यहाँ से इसके बाद सारी वीडियोज़ मिल जाती हैं आपको यहाँ से। अगर आपको इसे ऑफ करना है तो सबसे पहले आपको इस पे इस प्रकार से ऊपर क्लिक स्वाइप कर देना है, आपका ये ऑफ हो जाती है। इस प्रकार से फ्लोटिंग विंडो आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।